जी अस्सलाम वालेकुम। मानो के तमाम तलबा जो लोग एमए इस्लामिक स्टडीज से कर रहे हैं, हम समझ पाएंगे मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है। जी मुसर्रत भाई, हम लोग लाइव हो चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी हम लोगों की आवाज अगर आप लोगों को साफ आ रही है तो बताएं। जी आने लगा है मैसेज की आवाज आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। बाकी सब लोग भी ज्वाइन कर लें ताकि क्लास जो है ना वक्त पे शुरू हो सके। अभी 7 लोग ज्वाइन। अभी सिर्फ 7 लोग ज्वाइन किए हैं। एक दो बार और मैं व्हाट्सएप में कर देता हूँ। बिल्कुल कर दें, मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे। हो चुका है सभी लोग आ जाएं। जी मैंने व्हाट्सएप पर भी लिंक डाल दिया है और जो लोग जहाँ जुड़ना चाहते हैं वो सब लोग जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह। 10 लोग हो गए हैं, लगभग 9 लोग दिख रहे हैं, 10 लोग हो गए हैं। तो एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन मैं अपना देता हूँ पहले। मैं मेरा नाम कौशल अली है, जो आपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और हम तो सिर्फ अभी मॉडरेटर का काम करेंगे, यहाँ पे क्लास लेने का काम हमारे मुसर्रत हुसैन भाई साहब करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाए ताकि हम लोग जो है ना क्लास की कार्यवाही शुरू कर सके। अच्छा मुसर्रत भाई साहब, एक चीज ये भी है इसमें कि चूंकि हम लोग ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, अगर बाद में देखना चाहेंगे तो वो लोग जो है ना बाद में यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही बेहतर रहेगा। अच्छा एक और मैसेज दे देते हैं हम कि जो लोग भी इसमें जुड़ना चाहेंगे, हम लोगों के साथ कुछ बात अगर रखना चाहेंगे या सवाल करना चाहेंगे, सवाल सिर्फ अगर जिनको करना है वो लोग मैसेज में डाल लेंगे, उनसे मैसेज हम लोग ले लेंगे कमेंट में। और अगर जो लोग बात करके रखना चाहेंगे तो उनको व्हाट्सएप पर भी हम लोग लिंक एक शेयर करेंगे स्ट्रीम यार्ड का, वहां से वो लोग ज्वाइन कर सकेंगे। जी फॉर्मली शुरू किया जाए मुशर्रत हुसैन साहब। अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. صدق الله مولانا العظيم. معزز ومحترم سامعين وسامعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. चूंकि ये सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला दर्स होगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा हम इसमें गुफ्तगू करेंगे। और दूसरी बात ये कि सीरत के हवाले से
ये बातें कुछ मुकद्दमे के तौर पर बयान करना चाहूँगा ताकि कुछ चीज़ों की वजाहत हमारे सामने रहे। एक तो सीरत या सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी, ऐसी कौन सी वजूहत रही। तो हकीकतन यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे माशरे में मबऊस हुए कि वो माशरा जहालत के एतबार से इंतहाई पसमानदा था। इल्म के एतबार से इंतहाई पसमानदा होने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी इलाके का इंतखाब फरमाया, क्योंकि जहाँ पर चीज़ें जहालत के तनाजुर में या किसी भी तनाजुर में आप देखें, जहां पर चीजें उरूज पर होती हैं तो वहां पोटेंशियल ज्यादा होता है। जैसे जो पत्थर बहुत ज्यादा खुरदरा हो और बहुत ज्यादा सख्त हो तो उस पत्थर को सही करने के बाद उसकी जिंदगी और उसके पायदारी ज्यादा हो सकती है। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे इलाके का इंतखाब फरमाया। इसके कुछ और रीजन भी हो सकते हैं, हम उनका भी जिक्र करेंगे आप लोगों के सामने। तो दूसरी बात, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी मुबारक जिंदगी 63 साल जिंदगी बसर फरमाई, उसके बाद जाहिरी पर्दा फरमाने के बाद कुछ चीजें सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने महसूस की और उसके बाद उन चीजों को किसी कानूनी शक्ल में, किसी किताबी शक्ल में या किसी दरसी शक्ल में लोगों तक पहुंचाने की हाजत समझी। ऐसा क्यों हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की तकमील करते हुए इस्लाम को अरब से बाहर पहुंचाने की कोशिश में और अरब से बाहर पहुंचाने की तगदों में मुसलमानों ने जो चीजें महसूस की, उसमें जंगें थी, उसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग थे, उनके अहवाल थे, माशरती निज़ाम था, लोगों का समाजी ढांचा था। इन सारी चीज़ों को खूबसूरत तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संवारा हुआ था। तो इस चीज को समझते हुए कि जैसे ही हम किसी एक इलाके से निकलने के बाद दूसरे इलाके में जाएंगे, अपना अपने दीन की दावत देंगे, शिर्क से लोगों को बचाएंगे, तो ऐसी सूरत में एक कन्फ्लिक्ट की सूरत होगी, लोगों के अपने नजरियात होंगे, उन नजरियात से हमारा मुकाबला होगा। तो ऐसी सूरत में सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने ये जरूरत समझी कि जिस वक्त हमें लोगों से जंग हो, और फिर उन्होंने ये भी महसूस किया कि इसका मतलब मुसलमान ता कयाम कयामत, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो इसके बाद मुसलमानों के लिए सीरत एक इंतहाई सुनहरा खजाना है। तो इसको महफूज करना, इसको दूसरे अजहान तक, दूसरे कुलूब तक, दूसरे लोगों तक और आने वाली उम्मत तक पहुंचाना सहाबा ने अपना फर्ज समझा। तो ऐसी सूरत में सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने यूं किया कि सीना बसीना सीरत को मुंतकल करते रहे। जैसे जंग होती रही तो पिछली जंगों में, पिछली गजवात का को देखा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ जो सहाबा थे उन्होंने किस तरह से जंग की, उन सहाबा से मिले, उनसे मुलाकातें की और जंगों की वो सारी तदाबीर समझी और उन जंगों में पेश आने वाले वाकयात को समझा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन वाकयात को किस तरह से उनका बहुत ही खूबसूरत और आहसन तरीके से उनको किस तरह लोगों तक पहुंचाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तिताम तक किसी जंग को कैसे पहुंचाया, उसके बाद कैदियों के साथ क्या सलूक हुआ और उस जंग में लोगों के साथ किस किस्म का माल था, उस माल के साथ क्या ताल्लुक था। जैसे अगर हरे भरे दरख्त हों जंग के इलाके में, दुश्मन के इलाके में, तो ऐसी सूरत में उन हरे भरे दरख्तों को न काटा जाए। तो इस तरह से जो हिदायत थी, इन हिदायत को तरतीब देने की जरूरत पड़ी, इन हिदायत को उम्मत, आने वाली उम्मत तक के लोगों के लिए पहुंचाने की जरूरत पड़ी।
तो ये जरूरत महसूस करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने महसूस की, उन्होंने अपने बच्चों को और उन्होंने अपने शागिर्दों को, तलबा को इन चीजों की ताकीद फरमाई, इन चीजों का दर्स फरमाया, और ये दर्स का सिलसिला फिर मुसलसल चलता रहा। हत्ता कि हम ये कहें कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदी है, यानी कि हम कहेंगे पहली सदी हिजरी, पहली सदी हिजरी में तकरीबन सीरत का जो मामला था वो सारा का सारा सीना बसीना मुंतकिल होता रहा। और इसके अलावा दूसरी चीजें ये हैं कि सीरत, सीरत का माना क्या होता है, लुगवी माना ये इंतहाई आसान है, चाल चलन को कहते हैं। और इसके इसके जो सरचश्मा अल्फाज हैं तो उन अल्फाज का मानी इसी तरह से निकलता है। इसके साथ साथ जैसे हम यूं कहें कि सारा यसीरु, इसका सीन या और रा इसका असल है, इनके हरूफ असलिया हैं, तो इन हरूफ से माना ये निकलता है चलना फिरना। अब लुगत में बहुत सारे मानी हैं, हेयत व हालत को कहते हैं, शक्ल व सूरत को कहते हैं, तरीका व मजहब को कहते हैं। फिर धीरे धीरे ये लफ्ज इस्तलाहन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात और अहवाल को बयान करने के लिए जिक्र किया गया। और दूसरी चीज, मैंने ये वजूहात बता दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करना और लोगों तक पहुंचाने की वजूहात किस तरह से महसूस की गई। दूसरी चीज ये कि एक तवील हदीस का मफहूम इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के मुतालिक फरमाया कि जब वक्त गुजरता जाएगा तो कुरान के नए मफाहिम, नए मतालीब लोगों के सामने आएंगे, कुरान के नए उलूम लोगों के सामने आएंगे। तो कुरान मजीद, कुरान सामित है, खामोश किताब है, वो किताब बोलती नहीं है। लेकिन हजरत आयशा सदीका रदी अल्लाह तआला से किसी ने पूछा, सहाबा ने सवाल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें फरमाए, तो हुजूर ने तो हजरत आयशा सदीका रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि काना खुलुकुहु कुरान, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, उनकी जिंदगी मायार क्या था, वो चलता फिरता कुरान था। तो हम यूं कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी कुरान नातिक है। एक तो कुरान वो है जो जिल्द में बंद है, वो कुरान सामित है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका कुरान नातिक है। अब कुरान नातिक, अगर कुरान सामित कयामत तक नए उलूम का इजहार कर सकता है, तो यकीनन कुरान नातिक के भी कयामत की सुबह तक नए उलूम और नए रमूज निकल सकते हैं, इस बात का कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और इसके अलावा, इसके बाद हम सीरत पर गुफ्तगू यूं कर रहे थे कि सीरत के लफ्जी माना क्या है, तो ये सारा यसीरों से है, जिसका माना है चाल चलन, जिसका माना है रविश। और इसके बाद हम इब्तदाई दौर में देखें तो सीरत को किस तरह से इस्तेमाल किया गया, किस तरह से तदवीन की गई, तो हजरत उरवा बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन, ये वो शख्स हैं, ये वो नाम है जो नाम मुतकद्दमीन में सबसे पहले आता है। हत्ता कि मैं यूं कहूं कि मुतकद्दमीन के जितने भी अस्मा हैं उन तमाम अस्मा में, और दूसरी चीज खसूसियत है इस नाम की, हजरत उरवा की एक और खसूसियत है कि हजरत जुबैर बिन अल अवाम के बेटे हैं और इनके वालिदा का नाम हजरत अस्मा बिनत अबी बकर है रदी अल्लाह ताला अन्हा। तो आप इस बात से अंदाजा करें कि हजरत अस्मा या हजरत उरवा बिन जुबैर के की खाला हजरत सईदा आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा। तो ऐसे घराने का चश्मो चराग, हम यूं कहें कि इन्होंने फिर अव्वलीन तरतीब जो दी, और जिसको बाद में मगाजी जिनको कहा गया, और बिलखसूस मुतकद्दमीन उलमा की, मुतकद्दमीन मुसन्निफीन की जितनी भी किताबें हैं उनको मगाजी कहा जाता है, और उसके बाद तबकात कहा जाता है। तबका, तबका अरबी लफ्ज है यहाँ पर, इसका माना होता है जिसे हम पीढ़ी कहते हैं, जनरेशन।
तो जनरेशन तबकात इब्ने साद बड़ी मशहूर किताब है, तो उसमें अहवाले सहाबा है रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाईन। और मुतकद्दमीन उलमा के मैं कुछ नाम गिनाऊंगा जिनमें हजरत उरवा बिन जुबैर हैं रजी अल्लाह ताला अन अल मुतवफा 92 हिजरी। इसके अलावा हजरत अबान बिन उस्मान रजी अल्लाह ताला अन जो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, और हजरत शराहबील बिन साद, हजरत वहाब बिन मंबा, हजरत अब्दुल्ला बिन अबी बकर बिन हजम और इब्ने हिशाम। फिर ये मुतकद्दमीन उलमा में हैं, इमाम वाकदी हैं, इब्ने साद हैं। मुतकद्दमीन उलमा के बाद, चूंकि मुतकद्दमीन उलमा में से कुछ उलमा ऐसे हैं जिनकी तरतीबात या जो भी उन्होंने मुरतब फरमाया है वो हमारे पास मौजूद है, और इसमें हजरत अब्दुल्ला हजरत उरवा बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो काम किया है सीरत का वो हमारे पास किताबी शक्ल में मौजूद नहीं है, बल्कि उनकी बहुत सारी रिवायात और उनके शागिर्दों ने जो काम किया है वो हम तक पहुंचा है। तो हम यूं कहें कि सीरत के बुनियादी जो तासीस की है, जो जिस पर बहुत ज्यादा जिन्होंने मेहनत की है, वो हजरत उरवा बिन जुबैर हैं, और उन्हीं के हम असर थे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, जिनका नाम था अबान बिन उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु। और दूसरी चीज, इस निसाब में, इस सिलेबस में हमको कुछ और चीजें भी पढ़ने को मिलती हैं, जैसे मुस्तशरिकीन की किताबें जो मगरिब के लोग हैं और जिसमें से बिलखसूस ईसाई लोग हैं। तो यहाँ पर मेरा एक ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन, जहां पर भी मेरा ख्याल होगा तो वो मैं अलग से आपको बताऊंगा। मेरा ओपिनियन ये है कि इस्लाम जो है, क्योंकि एक मगरिब का शख्स, यहाँ मगरिब से कोई इलाकाई मुराद नहीं है, हम यूं कहें कि जो मुसलमान नहीं है, तो गैर मुस्लिम शख्स अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सीरत का काम करे, तो हकीकत यह है कि जब उन्होंने इस्लाम को महसूस नहीं किया, जैसे हजरते जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे, और जो ईमान लाए वो महसूस करते, हम यूं कहें कि वो महसूस करते थे, उनका एतिकाद था, लेकिन जो ईमान ही नहीं लाए तो वो उस मग्ज़ को, वो उस रूह को, वो उस चीज को महसूस नहीं कर पाएंगे, वो उस चीज की अहमियत समझ नहीं पाएंगे। हालांकि बहुत सारी किताबें हैं जो रिकमेंड यहाँ पर की गई हैं, मैं उन किताबों पे फिलहाल बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वही पहुंची, कलाम इलाही पहुंचा, जहां जिस शख्स ने भी, यानी मुस्तशरिकीन में से जिस शख्स ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लिखा, हालांकि बहुत बड़ी बड़ी किताबों का नाम आप सुनेंगे, तो जिनको अलसर नौ उन्होंने उस पर काम किया, फिर उस पर नुक्ताचीनी हुई कि ये किताब ही नहीं है, इस निसाब में ऐसा दिया गया है, लेकिन वो बात यह है कि हम ज्यादा प्रेफर करें, जितने भी हमारे साथी हैं जब भी वो मुताले में, गहरे मुताले में चले जाएं, फिलहाल हम तो ओवरऑल पूरी पूरी किताब यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, हम किताब का ओवरव्यू लेके डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, और जिस वक्त हम उस पर पढ़ेंगे, मुस्तशरिकीन को पढ़ेंगे, मुस्तशरिकीन को देखेंगे, तो हमारे, मेरे ख्याल से सबसे बेहतर ये है कि हम सबसे पहले मुतकद्दमीन उलमा को देखेंगे। मुतकद्दमीन में से कुछ लोगों का मैंने नाम लिया है, जैसे हजरत उरवा बिन जुबैर है, हजरत इबान बिन उस्मान है, शराहबील बिन साद है, तो इनकी किताबें चूंकि मौजूद नहीं है, लेकिन मगाजी में इसके बाद हजरत मूसा बिन उकबा एक नाम आता है, अल मुतवफा 141 हिजरी, ये नाम बहुत बड़ा नाम है, हत्ता कि आप यूं कहें कि इब्ने इसहाक इनके शागिर्दों में से एक शागिर्द है, और फिर इब्ने इसहाक ने जो काम किया है सीरत पे वो काम रहती दुनिया तक रहेगा, जितने भी हम यूं कहें कि मर्जा है वहां पर हजरते इब्ने इसहाक, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, फिर इनके इस काम की शरह और इसको बहुत ही महजब तरीके से मरतब फरमाया है इब्ने हिशाम ने, और इब्ने हिशाम की किताबें अभी भी मशहूर है सीरत की किताब, हत्ता कि सीरत की टॉप मोस्ट लिस्ट में इनका ही नाम आता है। इमाम वाकदी हैं जो मुतकद्दमीन में से हैं, ये मुतकद्दमीन उलमा तकरीबन 250 हिजरी तक
जितने उलमा आते हैं उनको मुतकद्दिमीन कहते हैं, उसके बाद जितने भी उलमा आते हैं जैसे इमाम तबरी आते हैं और इसके अलावा बहुत सारे इमाम अब्दुल बर आएंगे, इब्ने हजम अंदलुसी आएंगे, इमाम सुहेली का नाम आएगा। इमाम सुहेली का नाम बहुत ही रोशन नाम है इनका, इन्होंने अल्लामा इब्ने इसहाक पर काम किया, इब्ने शाम पर काम किया, तो इन्होंने एक किताब लिखी अर रौजुल अनफ, उसका नाम है इमाम सुहेली अलैहि रहमा की किताब अल मुतवफ़ा 581 हिजरी। पहली सदी हिजरी के जो उलमा थे उनका मैंने नाम लिखा, जो सीरत निगार थे, ठीक, उनका मैंने नाम आपको बताया। इसके अलावा डॉक्टर सलाहुद्दीन मुंजिद एक नाम गुजरे हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है और उन्होंने इस पर बड़ा काम किया है। उन्होंने तरतीब दी है सीरत को और सीरत के मौजू पर, जितनी भी किताबें लिखी हैं उन किताबों को उन्होंने 10 हिस्सों में तकसीम किया, फिर उन तमाम हिस्सों को मुख्तलिफ जुमरों में तकसीम किया, फिर एक एक जुमरे में कई कई किताबों को शामिल किया। तो इससे ये भी अंदाजा कर सकते हैं कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना जखीम काम हुआ है। और हत्ता कि मुहद्दिसीन ने, क्योंकि जो सीरत के मुतकद्दिमी लोग थे वो मुहद्दिस थे, और उन्होंने इतना काम किया है कि जिस तरह से हदीस का इल्म जमा करने के लिए, हदीस को जमा करने के लिए जो मुहद्दिसीन ने काम किया है, इमाम बुखारी ने काम किया, उनसे पहले उनके असातिज़ा में से जो लोग थे उन्होंने काम किया, उस नहजे पर उस तर्ज पर जाकर उन्हें काम करके सीरत को जमा फरमाया है। और मगाजी, जैसे मैंने अभी जिक्र किया हजरत उरवा बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला, तो इनकी किताब जो मशहूर थी, इन्होंने जिस पे काम किया था, फिर उसको मगाजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी गजवात जितने फरमाए थे उन तमाम गजवात को इनमें कोशिश की थी जिक्र करने की। फिर मफकूद है किताब, हमारे पास ये मौजूद नहीं है। हमारे पास जो किताबें मौजूद हैं उनका मैंने जिक्र किया है, एक तो इमाम सुहेली की किताब है और बहुत सारी किताबें हैं, अभी उन सारी किताबों का जिक्र भी आएगा जो भी हमारे पास फिलहाल दस्तियाब है, अल्लामा इब्ने हिशाम की, जो इब्ने इसहाक पर जिन्होंने काफी काम किया है। इसके अलावा मुतकद्दिमीन के बाद मुतअख्खरीन उलमा आते हैं जिन्होंने काफी काम किया है सीरत पर, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये काम ज्यादा मुनज्जम होता गया और इस काम में भी फिर मौजूआत तकसीम हुए, उन मौजूआत पर मुख्तलिफ उलमा ने फिर काम किया। जैसे मुतअख्खरीन की मुतअख्खरीन की कुतुब में से शरफुल मुस्तफ़ा हाफिज अबू सईद अब्दुल मलिक निशापुरी अलैहि रहमा की अल मुतवफ़ा 406 हिजरी। तो ये मुतअख्खरीन मैंने आपको कहा 250 साल के बाद जितने उलमा आते हैं, जितने भी सीरत निगार आते हैं, तो उनको मुतअख्खरीन कहा जाता है। इसके बाद जवामिउस सियर अल्लामा इब्ने हजम अलैहि रहमा अल मुतवफ़ा 456 हिजरी। इसके बाद अद्दुरर फी इख्तिसार अल मगाज़ी वस्सियर हाफिज इब्ने अब्दुल बर। इसके अलावा अल्लामा काजी इयाज इब्ने मूसा, काजी इयाज का नाम आपने सुना होगा, अशफा इनकी बड़ी मशहूर सीरत पर लिखी गई किताब है, और अर रौज़ुल अनफ मैंने अभी इसका नाम लिया, इब्ने इसहाक और इब्ने हिशाम का जो काम था उसको जमा करके इमाम सुहेली ने अल मुतवफ़ा 580 हिजरी। तो इन्होंने बड़ा ही काम किया इस पे, बड़ी मेहनत की इस पे। उसके बाद है अल वफा बे अहवाल मुस्तफ़ा अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने जौज़ी अलैहि रहमा। फिर ज़ादुल माद है, ज़ादुल माद बड़ी मशहूर किताब है अल्लामा इब्ने जौज़ी की। असीरतुन नबविया हाफिज इब्ने कसीर की। अल मवाहिबुल दुनिया इमाम अबू बकर कुस्तलानी की। तो ये सीरत की मुतअख्खरीन उलमा की किताबें हैं, और फिर उसमें भी मजामीन के एतबार से तकसीम कर दी गई है। वो तकसीम इस तरह है कि कुछ किताबें नसरी हैं और कुछ किताबें नजमी हैं, और इस तरीके से भी इसकी तकसीम की गई है कि फिर कुछ उलमा ने, कुछ सीरत निगारों ने जिनका शायरी पर बहुत ही ज्यादा उबूर था, जैसे नसरी तनाजुर में मैं एक मिसाल पेश करना चाहूंगा, बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में उर्दू में जिन्होंने नस्र में सीरत पे काम किया है, काफी शाहकार है उनका ये काम, कभी पढ़ने को आपको मौका मिलेगा। मैं बाद में इंशाल्लाह इसका फोटो भी आपको शेयर कर दूंगा इसकी। जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद कुबा में जिस वक्त वरूद हुआ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का,
तो उस वक्त का जो नजारा था, उस वक्त के जो वाकयात थे, उन वाकयात को सीरत निगारों ने भी जिक्र किया। तो उन वाकयात को नज़म की शक्ल में एक शायर ने काम किया है इस पे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। तो मैं चाहूंगा उसके उसकी एक झलक आपके सामने रख दूं। कहा है कि तुलुए बद्र के सामा हुए बज़्मे कवाकिब में, कई दिन से ये रोशन हो चुका था अर्ज़ यसरिब में, निकलकर शहर से खलकत कुबा तक चल के आती थी, तमन्ना रंग हसरत बन के आंखों में समाती थी, हुआ करती थी फर्शे राह उठकर बार बार आंखें, हमातन इंतजार आंखें, भटकता था तसव्वुर मंजिलों में और राहों में, सहर से शाम तक एक शक्ल रहती थी निगाहों में, कई दिन तक नजब सूरत दिखाई शाहे वाला ने, बहुत मुजतर हुए शम्मे नबूवत के ये परवाने, हुई कोताह आखिर इंतजारे दीद की घड़ियां, निगाहों के लिए आई नमाजे ईद की घड़ियां। खैर, ये इसके अलावा इसमें कुछ और बंद हैं, लेकिन मैं सिर्फ मिसाल पेश करना चाहता था कि नज़मी सूरत में अरबी में भी काम हुआ है, उर्दू में भी काम हुआ है, और इसके अलावा फिर अरबी में जो काम हुआ है नज़मी सूरत में, उसका पैराग्राफ इंशाल्लाह मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने लग जाऊं तो वो एक दूसरा। फिर मैंने आपको कहा कि 10 तबकात में जो उन्होंने जिक्र किया, उन 10ों उलमा का नाम मैंने जिक्र किया आपके सामने। किताबुल मगाजी है, जिसमें हम कुछ किताबें अभी बाकी हैं। किताबुल मगाजी इमाम हजरते उस्मान इब्ने अफ्फान रदी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं, अल इबान, जिनका नाम है यहाँ पर इबान लिखा हुआ है। किताबुल मगाजी वहाब बिन मंबा रहिमहुल्लाह का अल मुतवफा 110 हिजरी। फिर किताबुल मगाजी है आसिम बिन अम्र बिन कतादा, और ये शख्स हैं आसिम बिन उम्र बिन कतादा। इन्होंने सीरत का दर्स बाकायदा दिमिश्क, यानी मदीना से निकलकर दिमिश्क की जामा मस्जिद में खिताब शुरू किया, और दिमिश्क की जामा मस्जिद के बाद फिर जब मदीना तशरीफ ले गए तो वहां पर भी सीरत का मुसलसल खिताब देते रहे। और यूं कहें कि इब्तिदा में जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है उनमें से हजरते आसिम बिन अम्र बिन अल कतादा रदी अल्लाह ताला अन, और इनके शागिर्दों में से इमाम इब्ने इसहाक हैं, और जिनकी सीरत और जिनका जो जिनका काम मर्जा है सीरत निगारों के लिए। फिर किताबुल मगाजी है इमाम जोहरी की, तो चूंकि इमाम जोहरी बहुत ही मशहूर इमाम है तो इनके मुतालिक यानी कि मैंने टॉप मोस्ट मुतकद्दमीन जो 10 लोग हैं या 10 या 11 नकल किए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं जिन्होंने सीरत पर काम किया है, तो उन्होंने इसमें इनमें से इन 10 को इन 11 को टॉप मोस्ट लिस्ट पर रखा हुआ है। तो इसमें इमाम जोहरी भी आते हैं रहिमहुल्लाह ताला, अब्दुल्ला इब्न हिजम, और इसके अलावा अब्दुल्ला बिन अबी बकर, और इसके अलावा है किताबुल मगाजी में मूसा बिन उकबा रदी अल्लाह ताला अन्हु। हत्ता कि मूसा बिन उकबा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो सीरत पर काम किया है, इमाम मालिक का कहना है कि वो इमाम इब्ने इसहाक पर इनकी सीरत के काम को तरजीह देते थे। तो ये भी अपनी अपनी मिसाल आप थे इस दौर में। फिर उसके बाद 20वीं सदी के अवाइल में एक जर्मन के मुस्तशरिक ने सीरत पर कुछ काम किया, और जो मूसा बिन उकबा है रहिमहुल्लाहु ताला, उनकी जो सीरत थी मफकूद थी, उस पर कहीं से काम करके और फिर ऐलान कर दिया कि मैंने इस किताब पे काम किया है, और इस किताब को अज़हर नौ लोगों के सामने पेश किया। तो फिर उस पर बड़े एतराजात हुए उसकी किताब पर कि जो कुछ इसने शाया किया है ये उस किताब असल किताब का कोई भी हिस्सा नहीं है। तो इस तरह से चूंकि हम इंटेंशन जान नहीं सकते कि किसी मुस्तशरिक ने इस पर काम क्यों किया है, लेकिन खैर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैंने देखा कि दुनिया में पहली बार मुतारफ कराए उसके बाद मूसा बिन उकबा का काम एक मुस्तशरिक ने, मुस्तशरिक का नाम है कैरल एडवर्ड, तो इसने एक काम किया है। इसके अलावा किताब उस्सीर इब्ने इसहाक की है, तो इंतहाई मशहूर है, इसका जिक्र भी मैंने किया, और इसके अलावा कुछ चीजें और साथ साथ सीरत के अलावा
सीरत जब मुतअख्खिरीन में से है, तो मुतअख्खिरीन का भी मैंने नाम लिया, और अर-रौज़ुल अनफ है, अलवफा बे अहवालिल मुस्तफ़ा, फिर उयूनुल असर है। इसके अलावा कुछ किताबें जो बहुत मशहूर हैं जैसे ज़ादुल माद है और अलबिदाया वन नहाया है, क्योंकि अलबिदाया वन नहाया अल्लामा इब्ने कसीर की ये तारीख के अहवाल पर लिखी गई, और उसमें फिर सीरत का जो जुज है उसको अलग किया गया, तो वो अस-सीरतुन नबविया के नाम से मशहूर हुआ। मवाहिबुल दुनिया मशहूर किताब है सीरत की। ये किताबें जो मुतअख्खिरीन की बहुत मशहूर हुई थी, तो वो किताबें मैंने जिक्र की। उसके अलावा उर्दू में कुछ काम किया है जो सीरत पर मंजूम काम, तो वो बड़ा मशहूर है, मिलाद नामू, इस नाम से ये मशहूर है। अब्दुल मालिक बहराउची का मौलूद नामा इसको कहते हैं, लेकिन मिलाद नामू के नाम से उसका नाम, मेराज नामू, वफात नामू, शमाइल नामू, शमाइल होते हैं खसाइस यानी आदात और अतवार, नूर नामू, इस तरह से किताबें हैं। इनके मुसन्निफिन का नाम भी मैं जिक्र करता हूँ, सैयद बलाकी, मेराज नामा, और वफात नामू में इमामी, शमाइल नामू में उस्मान कातिब हैं इसके, और इस तरह से फिर जो बहुत ही मुनज्जम तरीके से उर्दू में काम हुआ है सीरत का, वो 1858, यूं समझें कि 19वीं सदी में बहुत ही मुनज्जम तरीके से इस पे काम हुआ, और फिर इस पे वो काम अब तक जारी है, और इंशाअल्लाहुल अजीज कयामत तक जारी रहेगा। बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, जिसमें बहुत मशहूर किताब है अल्लामा शिबली की सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो किताब बड़ी ही मशहूर है। फिर मगरिब मुसन्निफिन के बारे में मैंने अपना नजरिया बता दिया, और इसके अलावा किताब में भी इसका जिक्र हुआ है। अच्छा, मगरिबी मुसन्निफिन को जिक्र करने की वजूहात में से एक वजह यह भी है कि इनको जब जिक्र किया गया, ताकि इन पर इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सारे एतराजात किए, जैसे हम ये कहें कि जो मगाजी थी, तो मगाजी पर यह एतराज हुआ कि ये तो एक आम सी बात है, हर बादशाह या बादशाह के बाद के जो लोग होते हैं वो अपने बादशाह को बेहतर दिखाने के लिए उनके कारनामों को अच्छा दिखाते हैं, तो मगाजी पर इस किस्म के एतराजात थे। सर सैयद अहमद खान की एक किताब है, इन एतराजात में से किसी एक एतराज का जवाब है। तो इसलिए मेरे ख्याल से मुझे इसका यही इंटेंशन समझ में आया कि मगरबी मुसन्निफिन को इसलिए जिक्र किया गया, ताकि हमारे जहन में रहे कि कल जब मैदान अमल में आकर हमारे साथ इस तरह की कोई बात हो, तो हमारे जहन में हो कि किसने इस पर काम किया है और किस तरह के एतराजात किए हैं। तो कुछ मुसन्निफिन का नाम गिनाया गया है, इसके अलावा जो फिर आखिर में इस पूरे टॉपिक को, यानी कि सीरत पर जितना जो कुछ भी काम हुआ है और इस काम को आखिर में समेटा गया है, इन्होंने कुछ बुलेटिन बनाए हैं, कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो उन पॉइंट्स को इख्तिसारन मैं उनमें से कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। तो इसमें सबसे चीजें मफकूद जो मसादिर हैं सीरत का, उनका जायजा लिया है, और हज़रत इमाम ज़ोहरी के लिहाज से इमाम ज़ोहरी इसमें बहुत ही ज्यादा जिक्र हुए हैं, और उन पर मतलब मुसन्निफ ने, जिन्होंने इस चीज को यहाँ निसाब में लिखा है, उन्होंने इस पर काफी गौर किया और काफी तवज्जो दी है इमाम ज़ोहरी पर। और इसके अलावा उर्दू में जितनी भी किताबें लिखी गई है अल्लामा शिबली की है, जो बहुत ज्यादा इसमें मशहूर है, और इसके अलावा कुछ किताबें हैं सीरतुल नबी, सीरतुल रसूल के नाम से कुछ किताबें हैं, और यहाँ पर सीरत का ये जो जिन लोगों ने इस पर काम किया है, जिन्होंने जमा किया है सीरत को, तदवीन सीरत इसका इस चैप्टर का इख्तिताम है। और इसके अलावा इसके बाद आगे जजीरतुल अरब का जिक्र है, लेकिन जजीरतुल अरब को मैं मैप से दिखाना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, कुछ सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट प्रॉब्लम है। मैंने दो तीन चीजों में ट्राई किया जहां से भी मेरा पॉसिबल हो सकता था, लेकिन चूंकि ये वाली चीज मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, इंशाअल्लाह अजीज मैं अपने टॉपिक को यहाँ पर इख्तिताम करूंगा। एक तो दो रीजंस हैं, एक तो मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, दूसरा टॉपिक रोकने का रीजन ये है कि मैं किसी एक
तकलीफ से थोड़ा गुजर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। और जजाक अल्लाह खैरा, आप लोगों में से किसी का सवाल हो और सजेशन हो। जी इंशाल्लाह मैं जो हूँ अभी लिंक शेयर कर दे रहा हूँ हजरत। बहुत शानदार रहा, बहुत शानदार रहा आपका जो लेक्चर था अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये लिंक शेयर कर रहा हूँ, जो भी हजरत आना चाहते हैं इस लिंक के जरिए डायरेक्ट लाइव आ सकते हैं, अपना सवाल रख सकते हैं। ये मैंने लिंक को मैंने ये जो लिंक अभी शेयर किया है इसको आप लोग क्लिक करके आ सकते हैं। मैंने अभी लिंक शेयर कर दिया है आप लोग को, ये कमेंट बॉक्स में शेयर कर दिया मैं। आप लोग जहाँ YouTube देख रहे हैं वहां पे नीचे में लिंक आया होगा इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल के नाम से, और इसी लिंक को मैं WhatsApp में भी डाल दे रहा हूँ, आप लोग WhatsApp में भी चेक कर सकते हैं अगर यहाँ से कोई दिक्कत हो रही है तो। अभी ये मैं ग्रुप में भी मैं डाल दे रहा हूँ, जी जो भी हजरात लाइव क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो भी हजरात अभी नहीं, हाँ एक कोई आया है हजरत रेहाना बशीर जी। रेहाना बशीर साहब ये शायद कोई सिस्टर है हमारी जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। ओ चली गई अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत ही जबरदस्त रहा लेक्चर। चूंकि मेरा बैकग्राउंड मदरसे का नहीं है, मैंने कोशिश किया है ये जो ये इस्लामिक स्टडीज में मेरा बड़ा रुचि रहा है, मतलब शौक रहा है, इसलिए मैं लेट में था। और इंशाल्लाह जी मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल ही अलग रहा है, कॉलेज लाइफ रहा, यूनिवर्सिटी लाइफ, लेकिन इंशाल्लाह आपके जरिए हमें भी सीखने को मौका मिलेगा काफी कुछ। अभी किसी में कोई सर इस पर अगर बैक करता हूं तो क्लास कट जाती है। आपकी आवाज बड़ा धीरे हो गई है, क्या बात है? अभी ठीक आ रही थी आवाज आपकी। यहीं पर रोकते हैं और सेशन को भी रोकते हैं, देखते हैं अगर किसी का क्वेश्चन हुआ तो ग्रुप में ऑलरेडी हम तो अवेलेबल है ही। हाँ एक ये रेहाना बशीर हैं, मैं इनको बता दूं कि आप जो है ना आप बैक ना करें, ये जो है ना बैक कर रही है तो लीव कर जा रही है। आप जो है एक बार ज्वाइन कर जाएं और ज्वाइन करने के बाद इंशाल्लाह आप डायरेक्ट यहाँ पे अपनी बात रख लें, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट रख सकते हैं बात। आपको बैक कर बैक कीजिएगा तो लीव कर जाएगा, मोबाइल से दिक्कत होता है थोड़ा सा। हालांकि आज फर्स्ट सेशन है इसलिए किसी किसी को दिक्कत हो रहा होगा, इंशाल्लाह जो है ना कि
अगली बार से आप लोग इसके समझ जाइएगा तो आगे से दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को इंशाल्लाह। ये देखिए जी, ठीक है फिर समाप्त किया जाए। कोई क्वेश्चन कुछ लिखा आया था कमेंट, हम आप पढ़ लीजिए कमेंट क्या था। कमेंट में किसी का अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, अगर कोई भाई या बहन जो भी क्वेश्चन अगर कोई करना चाहता है तो कमेंट में भी कर सकता है, उसका जवाब मुशर्रत भाई जो है हमारे इंशाल्लाह और अजीज देंगे। ठीक है, समीर अहमद भाई हमारे आए हुए हैं, इंशाल्लाह इनको ज्वाइन करते हैं। जी हजरत अपनी बात रख सकते हैं, आप माइक अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट कीजिए। समीर अहमद, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, जी आप बात रख सकते हैं। जी आवाज जा रही है समीर अहमद भाई? हेलो जी, जी आवाज जा रही है। बस मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बस मैं जानना चाहता था बाकी क्या क्वेश्चन करेंगे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये कहने के लिए किया था कि आपका बहुत बेहद शुक्रिया कि आपने इस क्लास के लिए वक्त निकाला, तो बेहद बेहद अल्लाह आपको इससे बेहतर जज़ा अता दे। आमीन आमीन, आप सबको भी दे। इसके हकदार हमारे मुसर्रत हुसैन भाई हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह काफी नॉलेजफुल भी हैं, इंशाल्लाह इनसे हम लोग काफी फायदा उठाएंगे जी। इंशाल्लाह आप दोनों को और बाकी सबको भी चूंकि यहाँ भी जो खिदमत कर रहे हैं ये इसका तो अल्लाह ही दे सकता है जी। और भाई कोई शायद नहीं आना चाह रहा है, बाद में ये लोग हो सकता है देखेंगे चैनल पे, तो इंशाल्लाह ये लोग देख कर जो सवाल आता होगा इंशाल्लाह अगले स्ट्रीम में लिया जाएगा जी इंशाल्लाह। तो अपनी राय बताएं और समाप्त किया जाए कैसे। बिल्कुल ठीक, इसको अब समाप्त ही करना चाहिए। ठीक इंशाल्लाह, बाकी सजेशन किसी का हो तो वो ग्रुप में दे सकते हैं और बाकी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा, ये कुछ लोग के कमेंट्स हैं, वानी यूनुस भाई हैं, ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ने जो है किया। ठीक है फिर समाप्त करते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।